मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में आज बड़ी सौगात दी है। सीएम ने नयारघाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए अब हर साल इस फेस्टिवल के आयोजन की अनुमति दे दी है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी घोषणाओं में नयारघाटी में एडवेंचर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की। इस घोषणा के बाद अब युवाओं को पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग के प्रशिक्षण लेने के लिए बाहरी राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीएम ने पहाड़ी जिले में शुरू हुए इस बदलाव की तारीफ की और इन साहसिक खेलों को युवाओं का बेहतर भविष्य बताया। नयारघाटी के क्षेत्र में ये एडवेंचर को यहाँ पर धरातल पर उतारा जाता है और इसी तरह इसको हर वर्ष किसी न किसी तरीके से जोड़ा जाएगा, तो संभवतः यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो कोई दुकान खोलेगा, कोई किसी तरीके की गतिविधि करेगा और सभी लोग यहाँ से लाभान्वित होंगे। तो हम इस जो एडवेंचर फेस्टिवल को देख रहे हैं, बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं कि ये जो उम्मीद है और ये इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा और यहाँ के ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस दौरान सीएम रावत ने हॉट एयर बलून पर चढ़कर इसका लुत्फ भी उठाया। इस फेस्टिवल के दौरान ही सीएम ने इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण पेयजल पंपिंग योजना चिनवाड़ी डांडा पेयजल पंपिंग योजना का लोकार्पण भी किया। इवेंट जो यहाँ पर हो रहा है ये शुरुआत है एक तरह से। यहाँ पर तमाम जो साहसिक खेल हैं उसके लिए बहुत ही अनुकूल पाया गया है। जो जानकार हैं साहसिक खेलों के, उन्होंने इसको अनुकूल पाया है। यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं मैं देखता हूँ। केवल जो इवेंट यहाँ पर आज हुआ है इससे काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने कहा कि इसको वार्षिक रूप से हम यहाँ पर आयोजन करेंगे ताकि यहाँ पर हर वर्ष, इस बार यहाँ पर 13 राज्यों के लोग आए, अगले वर्ष हम चाहेंगे कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग आएँ और इसमें कुछ और एडवेंचर से जुड़ी हुई गतिविधियाँ जोड़ी जाएँ। ये जो पूरा इलाका है ये एडवेंचर गतिविधियों के लिए जाना जाए, ये हमारी कोशिश है। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती।